में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर के लिए इस मॉनसून का पहला रेड अलर्ट है। उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। अगले 3 से 4 दिन तक यही हालात रहने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभागों में 5 से 6 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। बीकानेर संभाग में अगले 4 से 5 दिन मध्यम और तेज बारिश होने की संभावना है। तो जयपुर से भी आज जो हालात सामने आए, जो जलभराव दिखाई दिया, ये भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो पूरे प्रदेश में मॉनसून में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। और जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिले ऐसे जहां पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो हालात अभी से बेहद खराब है। ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से सड़कें दरिया बन चुकी हैं, दुकानों और घरों में पानी भर चुका है। जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें रहने में भी तकलीफ हो रही है, सामान का भी नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ अब रेड अलर्ट को लेकर स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक होने वाली है। जयपुर से बड़ी खबर है, भारत जोड़ो सेतु के पास बस स्टैंड गिर गया है। ये बड़ी सूचना मिल रही है। बस स्टॉपेज के लिए होर्डिंग्स जो लगाए गए थे वो भी ध्वस्त हो गए हैं। बस स्टॉप गिरने से मोटरसाइकिल दब गई, हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। ये तस्वीरें देखिए, अब चूंकि बारिश के साथ तेज आंधी भी आ रही है, हवाएं तेज चल रही हैं और ऐसे में होर्डिंग्स और बैनर्स भी गिर रहे हैं। एक बाइक इसके नीचे दबा, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके। राकेश, अब क्या अपडेट मिल पा रहा है हादसे को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, ये इस बारिश में राजधानी जयपुर का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इस वक्त हम जो है उद्योग भवन की रेड लाइट पर खड़े हैं। यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है जहाँ पर रोडवेज का एक बस स्टॉप बना हुआ था। LIC मुख्यालय के सामने ये LIC बना हुआ था, तो निश्चित तौर पर वो गिरा है। मोटरसाइकिल उसके नीचे दबी है, हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। नगर निगम के जो यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने अपनी JCB बुलाकर उसको हटवाने का प्रयास शुरू किया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बेहद शर्मसार करने वाली है उन एक दर्जन से ज्यादा विभाग के इंजीनियरों के लिए, क्योंकि ये रोड जाती है तिलक मार्ग कहलाता है। और ये तिलक मार्ग सचिवालय के साथ साथ हाई कोर्ट, यानी जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी है, मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, सचिवालय, वहां तक ये सड़कें जाती हैं। और सड़क जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। यहाँ पर ट्रैफिक ने बैरिकेड्स लगाकर एक तरफ से जो है रास्ता रोका गया है ताकि इस जल भराव में कोई आप पहुंचे नहीं। इसके अलावा ये 22 गोदाम पुलिया से जो रास्ता आ रहा है, यहाँ पर भी भारी जो है पानी भरा हुआ है। हम इस जगह को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर, यहाँ से सरकार चलती है, यहाँ से इंजीनियरों का जो पूरा काम वो मॉनिटरिंग होता है। लेकिन वो मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाती है, क्या उसके हालात हैं, वो तस्वीरें यहाँ दिखा सकते हैं। सरकारें करोड़ों रुपए जो है पानी की निकासी के लिए खर्च करती है, वर्षा जल संचयन के लिए खर्च करती है। चूंकि राजस्थान में पानी की स्थिति बेहद गंभीर है, देश भर में तीसरे सबसे विकट स्थिति राजस्थान में पानी की है। लेकिन जब पानी आता है और तो इंजीनियर जो योजना बनाते हैं वो कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रही है और लोग परेशान होते रहते हैं। पानी जो राजस्थान की जनता के लिए अमृत समान है, जो पानी लोगों को जीवन दे सकता है, वो पानी सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में लोग अपने सिरों पे जो है आप कहीं ना कहीं किस तरीके से एक घुटने के लेवल पानी से निकल रहे हैं। कई दुपहिया वाहन जो है यहाँ बंद हो गए, वो अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल रहे थे। अब जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये एक आईना है राजधानी जयपुर का। ऐसे सैकड़ों और भी इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति इसी तरह की बनी हुई है। चाहे हम सीकर रोड की बात करें, हम चार दीवारी इलाके की बात करें, या हम उन तमाम क्षेत्रों की बात करें जहां पर हर बार पानी इसी तरीके से भरता है। आज पहली बार मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट जारी करने का मतलब है कि अभी बारिश और आएगी और ये अभी बारिश की शुरुआत है। तो निश्चित तौर पर सिस्टम को जगना होगा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आते हैं। सिवाय ऐसे मौसम में एसटीआरएफ की टीम के अलावा किसी भी विभाग का इंजीनियर कहीं नजर नहीं आता है और ना ही इन व्यवस्थाओं की किसी तरीके से इनमें कोई सुधार होता है। ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था वर्षों से चली हुई आ रही है। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यातायात पुलिस है इस मुसीबत में भी लोगों को रास्ता दिखा रही है और किसी की वाहन बंद हो जाता है। हम देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी ज़्यादा, गाड़ी के बोनट तक जो है पानी आ रहा है। ये मतलब एक मुख्य मार्ग है, वो मार्ग जो सचिवालय, हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री कार्यालय और इन तमाम महकमों को जोड़ता है जहाँ के ये हालात हैं। तो पूरे जो राजधानी और जो दूसरे शहर हैं उनके हालात क्या होंगे, ये निश्चित तौर पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, अभी रेड अलर्ट जारी किया गया है, अगले 4 से 5 दिनों तक हैवी रेनफॉल के भी आसार हैं और ऐसे में कहा जाए राकेश की खतरा टला नहीं है। होर्डिंग गिरा, राहत की बात यह है कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन आगे इस तरीके के हादसे ना हो उसे लेकर अब क्या कर रहा है प्रशासन, कोई तैयारियां दिख रही है क्या वहां पर? अब बिल्कुल देखिए, प्रशासन की तैयारी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति नजर आती है क्योंकि एसटीआरएफ की टीम है, उनको भेज दिया जाता है, लेकिन जो दूसरे विभाग हैं, चूंकि चाहे यूडीएच हो, नगर निगम, जेडीए, इन सभी ने वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान सुनिश्चित कर रखा है, नियम है, कानून भी बने हैं कि रोड के किनारे, चाहे रोड के किनारे का पानी हो, भवन हो, मकान हो या सरकारी कार्यालय हो, वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी को संरक्षित करना है, वर्षा जल को संरक्षित करना है। लेकिन जब बरसात आती है तो सरकार की योजनाओं की पोल खुल जाती है और इसके आईने हम सड़कों पर देख सकते हैं कि आम आदमी परेशान होता हुआ नजर आता है। और निश्चित तौर पर जो जरूरी है कि इस बड़ा जल का संग्रहण किया जाए ताकि यही जल गर्मी में लोगों को राहत दे सके, लेकिन जो प्रशासन की ओर से तैयारियां हैं वो यहां पर नाकाफी साबित नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। बांसवाड़ा शहर से खबर है जहां पर प्रसिद्ध कडेलिया झरने में नर्सिंग का छात्र पैर फिसलने से पानी में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कडेलिया झरने पर गया था जहां पैर फिसलने से वो पानी में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने करीब 1 घंटे रेस्क्यू के बाद शव को बाहर निकाला और इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो अंदाजा लगाइए इस वक्त पिकनिक मनाना, मौज मस्ती करना कितना भारी पड़ सकता है। एक शख्स जो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पर पहुंचा, लेकिन पैर फिसलने से वो पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। जरूरी है आप सभी अलर्ट रहें। चमोली के नंदानगर के ऊपरी क्षेत्रों में बादल फटने से नुकसान की खबर मिल रही है। यहां मोक्ष नदी और चूफला गाड़ नदी के उफान पर आने से काफी नुकसान हुआ। धुरमा गांव में मोक्ष नदी के उफान पर आने से पैदल पुलिया बह गई, साथ ही खेती को भी बड़ा नुकसान हुआ है। उधर नंदानगर के मुख्य बाजार के पास बहने वाली चूफला गाड़ नदी के उफान पर आने से कई भवनों के नीचे कटाव शुरू हो गया है जिससे घर भी खतरे के जद में आ गए हैं और जो लोग इन घरों में रह रहे हैं वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। पेड़ देख रहे हैं आपको, ये पत्तियां नीचे झुकी हुई। तो वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह बने स्लाइडिंग जोन मुसीबत का सबब बन गए। यहां गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के बीच 7 जगह पर स्लाइडिंग जोन है जहां हल्की बारिश होने पर ही पहाड़ से मलबा और पत्थर सड़क पर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या डोलियो देवी के पास है, यहां लैंडस्लाइड होने से कई बार घंटों घंटों तक हाईवे भी बंद हो जाता है। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से ये तस्वीरें हैं, न सिर्फ मैदानी इलाके बल्कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर भी लगातार बारिश आफत के कहर बरसा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड से लोग बेहद परेशान हैं। जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उन रास्तों से उन्हें भी जान माल का डर सता रहा है। स्लाइडिंग जोन में लगातार भूस्खलन हो रहा है जिसके चलते यात्री खासा परेशान है। तो वहीं दिल्ली के पास गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल बेहद बेहाल हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए, बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है,
सुबह सुबह घर से निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की स्पीड पर भी ब्रेक लग गया है, बाइक और गाड़ियां रास्ते में बंद हो रही हैं, ऑफिस स्कूल जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। या तो ट्रैफिक जैम लग रहा है या सड़क पर गाड़ियां सिर्फ रेंग रही हैं। साफ है बारिश में गुरुग्राम जलग्राम बन गया है। थोड़ी सी बारिश ने यहां पर साइबर सिटी का ये हाल कर दिया। आसमान से बरस रही मूसलाधार मुसीबत लोगों के लिए भारी परेशानी है। 13 अगस्त तक गुरुग्राम में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 11 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ बताया। शेख हसीना ने कहा है कि इसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने की वजह से उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा, जो उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बना था। उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों से कट्टरपंथियों के बहकावे में नहीं आने की भी अपील की है। बता दें कि शेख हसीना अभी भी भारत में ही हैं। उन्होंने 5 अगस्त को हुए तख्तापलट के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भिजवाए गए एक संदेश में अमेरिका पर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से कट्टरपंथियों के बहकावे में नहीं आने की भी अपील की है। और बुलेटिन में अब बात मेक इन इंडिया से बदलते भारत की तस्वीर की। देश ने रक्षा के क्षेत्र में एक और अहम कामयाबी हासिल की है। सफल परीक्षण के बाद न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि प्राइम को जल्द सेना में शामिल किया जाएगा। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। ये अग्नि वन मिसाइल की जगह लेगी। ये रिपोर्ट देखिए। 2, 1, 9, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
चीन पाकिस्तान देख लें, भारत का ब्रह्मांड। 2000 किलोमीटर तक अचूक अग्निवर्षा। ये भारत का महाबली है जिसकी गर्जना सुनकर बीजिंग से इस्लामाबाद तक कांपने लगते हैं। ये है दुश्मनों का सबसे बड़ा संहारक जिसे जल्द ही सेना में शामिल किया जाना है। भारत के इस महाबली का नाम है अग्नि प्राइम। कुछ महीने पहले ही डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर इसका सफल परीक्षण किया। ये नेक्स्ट जनरेशन की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है जो अग्नि वन की जगह लेने वाला है। अग्नि सीरीज की मिसाइलों में ये बेहद घातक, आधुनिक और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम दुश्मनों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। अग्नि प्राइम का ट्रेलर देखकर आखिर क्यों डरे हैं दुश्मन, ये भी समझने की जरूरत है। इसकी मार्ग क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। मिसाइल पर 1500 से 3000 किलोग्राम के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसकी लंबाई 34.5 फीट है। इस मिसाइल का वजन 11000 किलोग्राम है। ये मिसाइल हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। इस पर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वॉरहेड लगा सकते हैं, यानी एक साथ कई टारगेट्स को अग्नि प्राइम तबाह कर सकता है। सॉलिड फ्यूल से उड़ने वाली अग्नि प्राइम ने अपने टेस्ट में सभी मानकों को पूरा किया। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह पिछले अग्नि के वर्जन से हल्की है और इसकी लॉन्चिंग के बाद तीसरे स्टेज को दूर से कंट्रोल कर दुश्मन पर सटीक निशाना लगाना आसान है, इसलिए ये दुश्मनों के लिए ज्यादा घातक है। इस मिसाइल को भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत संचालित किया जाएगा। अब इंतजार है कि इसके शामिल होने का, जिसके बाद भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।
और बुलेटिन में अब बात ठाकरे वर्सेस ठाकरे की। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे वर्सेस ठाकरे तेज हो चुका है। शुक्रवार को राज ठाकरे के काफिले पर उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने सुपारी फेंककर विरोध जताया, तो उसने एक रोज बाद यानी कि शनिवार को उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ता उद्धव के काफिले में चल रही गाड़ियों पर चूड़ियां और गोबर फेंकते नजर आए। इस घटना से ठाकरे परिवार में तनाव ज्यादा बढ़ गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला। उद्धव ठाकरे की कार पर फेंकी गई चूड़ियां और गोबर। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं का हमला। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय ठाकरे वर्सेस ठाकरे जोर पकड़ चुका है। पहले उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने बीड में राज ठाकरे के काफिले पर हमला किया, तो अब उसके 24 घंटे बाद राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने उद्धव के काफिले पर चूड़ियां और गोबर से हमला बोल दिया। हंगामे की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे से आई, जहां कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उद्धव ठाकरे को एमएनएस कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ गया। उद्धव का काफिला गुजर रहा था कि तभी राज ठाकरे के कुछ समर्थक विरोध करते हुए उनके काफिले में चल रही गाड़ियों पर चूड़ियां और गोबर फेंकना शुरू कर देते हैं। अचानक से हुए इस हमले में उद्धव ठाकरे के काफिले में चल रहे लोगों में हड़कंप मच गया। सामने आई तस्वीरों में उद्धव के काफिले में चल रही गाड़ियों पर हमला होते हुए दिखा है, और एक तरफ बाजार के बीच से जब उद्धव ठाकरे की गाड़ी निकल रही थी, उसी समय सड़क पर खड़े कुछ लोगों ने चूड़ियां फेंकनी शुरू कर दी, और दूसरी तस्वीर में हाईवे के डिवाइडर पर खड़ा एक शख्स उद्धव के काफिले में चल रही गाड़ियों पर गोबर फेंकता है। उद्धव ठाकरे की काफिले की गाड़ियों पर गोबर दिखा भी। यही नहीं, जिस जगह पर उद्धव ठाकरे का कार्यक्रम था, वहां भी राज ठाकरे के समर्थक काफी देर तक हंगामा करते नजर आए। इससे पहले शुक्रवार को जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र के बीड जिले में सियासी दौरे पर थे, तो शिवसेना जो उद्धव गुट वाली है, उसके कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर सुपारी फेंक कर अपना विरोध जताया था। राज ठाकरे सुपारी खोर चले जाओ। ऐसा माना जा रहा है कि राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकने की घटना का बदला लेने के लिए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर चूड़ियां